अपने प्राइवेसी के बारे में दुनिया जाने कितनी बार सुना होगा साथ ही साथ आपने कई बार सुना होगा कि आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी को खतरा है यानी आपके आधार कार्ड को खतरा है या फिर किसी आपकी दूसरी प्रोफाइल यानी ऑनलाइन आपकी प्राइवेसी को खतरा है। अगर आप जानना चाहते हैं ऑनलाइन प्राइवेसी क्या होती है और ये कैसे काम करती है तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं इंसान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अपने प्राइवेसी के बारे में जान कितनी ही बार सुना होगा कि प्राइवेसी को ऑनलाइन खतरा है ये वो है। क्या आप जानते हैं ऑनलाइन प्राइवेसी होती है? ऑनलाइन प्राइवेसी हम उसे कहते हैं, मान लो आपकी कोई फेसबुक प्रोफाइल है या फिर आपकी कोई और दूसरी यानी आपका आधार कार्ड है, अगर आपके आधार कार्ड का डेटा लीक हो जाता है तो वो हो गया आपकी प्राइवेसी लीक होना, यानी आपका जो डेटा था यानी उसमें आपके मोबाइल नंबर, आपके एड्रेस, साथ ही साथ जितने भी कॉन्टेक्ट थे सारे उसके साथ लीक हो गए। यानी कि मान लो आपका ई मेल अकाउंट है वो हैक हो जाता है, आपके ई मेल में आपकी सारी ढेरों फोटोज होगी, साथ ही साथ आपके कॉन्टेक्ट नंबर होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। मान लो वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, उसे हम कहेंगे ऑनलाइन प्राइवेसी लीक होना। ये होती है प्राइवेसी लीक होना। प्राइवेसी किसे कहते हैं? आपके पास जितना भी डेटा है, आपकी फोटो, आपकी कई सालों में आपने कई सारे कॉन्टेक्ट इकट्ठे कर रखे हैं, आपकी कई सारी फाइलें, वे होती है आपकी प्राइवेसी। आप उन्हें किसी दूसरे को नहीं बताना चाहते, साथ ही किसी दूसरे को नहीं दिखाना चाहते, ये होती है आपकी प्राइवेसी फाइल। और अब ये लीक हो जाती है तो ये होती है प्राइवेसी लीक होना, यानी कि किसी ने आपकी फाइल चुरा ली या फिर कोई आपका जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा था वो लीक हो गया, ये होती है प्राइवेसी लीक होना। जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा जिसे आपने ऑनलाइन सेव किया है वो होता है उनलाइन प्राइवेसी, ये होती है ऑनलाइन प्राइवेसी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे को सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।